नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज में ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। आरएस के ने ठाना है सबको साक्षर बनाना है। अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने की दिशा में एक और कदम और बढ़ाते हुए आज डिहरी नगर थाना क्षेत्र के आरएस के पब्लिक स्कूल में 11वीं परीक्षा में सत्र 2023-25 के लिए नामांकन के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा की प्रथम चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस परीक्षा में इच्छुक विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से ही अपने अभिभावकों के साथ परीक्षार्थियों के आवागमन प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परीक्षा के आयोजन की समस्त तैयारियां पहले ही संपन्न की जा चुकी थी। भाग लेने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में नामांकन को लेकर हर्ष और उत्साह का माहौल दिखा गया। प्रधानाचार्य प्रेमलता शर्मा ने बताया कि आरएस के पब्लिक स्कूल अपनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा और समाज के हर वर्ग तक इसकी पहुँच को लेकर प्रतिबद्ध है और भविष्य में विद्यालय में नामांकन के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा को ही मुख्य आधार बनाया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए परीक्षा के बाद विद्यार्थियों के लिए हल्के जलपान के साथ फल और जूस की भी व्यवस्था की गई थी। वही विद्यालय के निदेशक आनंद सिंह ने कहा कि स्कॉलरशिप परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मेगा सूची बनाई जाएगी। इस सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 100%, द्वितीय स्थान वाले को 50% तथा परीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को रामजग सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा विद्यालय शुल्क में 20% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से स्कॉलरशिप परीक्षा के आयोजन के पीछे विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य समाज के हर तबके तक न्यूनतम खर्च में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था विद्यालय में, क्या कहेंगे आप? 11th क्लास में नामांकन के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। CBSE के द्वारा 100 सीट ही लिमिट की गई है। उसमें भी जो भी बच्चे 90% से एवं मार्क्स लाते हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा और सेकंड वाले को 50% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जितने भी विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लिए हैं सीट के अनुसार, सभी को 20% का छूट रामजग सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिल सके। बिहार और न्यूज ब्यूरो, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।